बैकड्रॉप पे कुछ और नहीं, पूरी दुनिया भर में उड़ीसा की हमारी एक पहचान। नमस्कार, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मीडिया के वरिष्ठ मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि सुबह की इस प्रेस वार्ता में वरिष्ठ मीडिया के हमारे सहयोगी भी यहां पर सब मौजूद हैं। और जब हम अपने राज्य उड़ीसा आते हैं और जहां मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की मदद, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जब मैं अपना राज्य कहता हूं तब मेरा सबसे पहली बार कटक में आना 1990 में हुआ, जब मैं पंजाब की अंडर 16 क्रिकेट टीम का कप्तान था विजय मर्चेंट ट्रॉफी में, और पंजाब पहली बार उस समय चैंपियन बना। तो मेरे लिए तो उड़ीसा के साथ नाता बहुत भावनात्मक रूप से भी है। मैं पहली बार सन टेंपल देखने गया तो उस समय गया, और शायद फाइनल से पहले ही वो दो दिन की छुट्टी एक अवसर मिला था देखने का। लेकिन आज तो जब G20 की बैठक होती है तब प्रधानमंत्री जी स्थान कौन सा चुनते हैं, दुनिया को संदेश क्या देते हैं, बैकड्रॉप पे कुछ और नहीं, पूरी दुनिया भर में उड़ीसा की हमारी एक पहचान। 75 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं किया। विकासात्मक कार्यों पे मैं आऊंगा, मुझे उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक चर्चा का विषय देश और दुनिया भर में बना कि प्रधानमंत्री के पीछे बैकड्रॉप में क्या है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, ये मोदी जी के मन में भारत की परंपराओं को लेकर, भारत के साहित्य को लेकर और विशेष तौर पर उड़ीसा के राज्य को लेकर जो प्रेम है, जय जगन्नाथ के साथ जो उनके आशीर्वाद के साथ, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री बने, रथ यात्रा से लेकर कोणार्क सन टेंपल से लेके बाकी अन्य एक के बाद दूसरे उनके कदम उस दिशा में ही थे कि इस महान धरती के उन सब बातों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और इसके विकास में कैसे योगदान। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।